हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। गाइस ये देख लीजिए, रोज़ाना की तरह मेरे पापा मेरे बाबू इज़ान को लेकर बाहर ही बैठे हैं, क्योंकि घर में डेली इज़ान बाहर जाने के लिए इतना ज़िद करता है, मेन गेट को पकड़ पकड़ के इतना रोता है, मुझे बाहर जाना है। एक्चुअली जब से इज़ान आया है इस दुनिया में, और मैं ऐसे कहूँ कि जब से हमारे घर में आया है, मेरा बाबू 2.5 महीने का था, तो तब से घूमने का इतना शौकीन हो गया है, घूमने का इतना आदि हो गया है कि रोज़ाना मेरे पापा, मैं आपको क्या ही बताऊँ आपको, तो अगर मेरे व्लॉग्स और मेरे शॉर्ट्स या मेरे चैनल के आप रेगुलर व्यूवर अगर होंगे तो आपको पता भी होगा गाइस कि मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं। उनको पैर में बहुत तकलीफ़ भी रहती है, जांघ के पास में बहुत तकलीफ़ भी रहती है, उनका इलाज चल रहा है, कीमो चल रहा है, हर 3 महीने पे वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाते हैं चेकअप के लिए, इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, बट फिर भी मेरे पापा और हम सब मेरे इज़ान से, मेरे भाई इरफान का बेटा है इज़ान, मेरा बाबू इज़ान, हम सब इतना प्यार करते हैं, और मेरे पापा तो इतना बेइंतहा प्यार करते हैं मेरे इज़ान को कि वो डेली रोज़ाना विदाउट एनी मिस वो बाहर लेकर जाते हैं घुमाने के लिए। ये मेरे कज़न ब्रदर हैं एजाज भैया, वो अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा इज़ान को, तो वो इज़ान को प्यार करने लगे गाइस। तो मैं और मेरी रिदा भी मम्मी की दवाइयां लाने जा रहे थे, बट इज़ान ने हमें पकड़ लिया और अब वो हमें जाने नहीं दे रहा, मुझे और मेरी बाबू को, तो मैं शूट करने लगी। तो गाइज़ मैं आपको यही बता रही थी कि रोज़ाना बाबू मेरे पापा के साथ में, मतलब अपने दादू के साथ में घूमने जाता है, बाइक पे जाता है बड़े पापा के साथ में। ईच एंड एवरी डे पापा भैया दोनों लेकर जाते हैं बाबू को घुमाने के लिए, बाइक से भी घूमता है और घर में तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहता है, बार बार बाहर जाने के लिए ज़िद करता है। पापा तो बाबू के हैंकी, मुंह पोछने की हैंकी अलग, नाक पोछने की हैंकी अलग, और पानी का बॉटल भी साथ में ले जाके बेचारे वहाँ पे बैठे रहते हैं कि जिसमें इज़ान खुश रहे, इज़ान हंसे, खुश रहे, एंजॉय करे। और ये मैं मेरी बाबू को ZA स्क्वायर लेकर गई थी, तो बाबू की फेवरेट वाली आइसक्रीम बहुत दिनों के बाद बाबू ने ज़िद की थी। वैसे तो वो ज़िद करती है, बट मैं बाबू को दिलाती नहीं हूँ, क्योंकि वो हाल फिलहाल ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ मेरे बाबू को बुखार की देनी पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने बहुत दिनों से बाबू को आइसक्रीम नहीं दिलाई थी। तो 3-4 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है मेरी बाबू, लेकिन उसके दांतों में ज़रा तकलीफ़ है, उसके दूध के दांत वो टूट नहीं रहे और बहुत दुखते हैं, और परमानेंट वाले टीथ आ नहीं रहे, तो उसकी ज़रा तकलीफ़ है मेरी बाबू को, बट फिर भी उसको खुश करने के लिए मैं कभी कभार ले जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब।